इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 16 सदस्यीय टीम में उमेश यादव और अंबाती रायडू की वापसी हुई है, वहीं अभिजीत रहाणे को टीम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा मनीष पांडे को भी वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे सिद्धार्थ कौल को टीम में जगह मिली है। वहीं के एल राहुल, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह मिली है। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे अंबाती रायडू की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। आपको बता दें, रायडू आईपीएल में इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर हैं। अंबाती रायडू 10 मैचों में 423 रन बना चुके हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी किंग्स 11 पंजाब की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी और टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला एक दिवसीय मैच 12 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज में, दूसरा एक दिवसीय मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स में और तीसरा एक दिवसीय मैच 17 जुलाई को हेंडिगले में खेला जाएगा। इससे पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। विराट कोहली सीरीज से पहले काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जा रहे हैं ताकि वो वहां की परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकें। उन्होंने सरे क्लब के साथ करार किया है, इसलिए वो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पूरी टीम इस प्रकार है: विराट, शिखर, रोहित, केएल राहुल, श्रेयस, रायुदु, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, चहल, कुलदीप, सुंदर, भुवनेश्वर, बुमराह, हार्दिक, कौल, उमेश।